हेलो, गुड मॉर्निंग. दिस इज आकाश श्रीवास्तव ऑन द बिहाफ ऑफ यूथ कंपटीशन टाइम्स. और आज का जो एपिसोड है हमारा YCG टॉक्स का 32nd एपिसोड है, जहां हम बात करेंगे मिस्टर अनुभव श्रीवास्तव सर से, जिन्होंने UP SSSC PET का एग्जाम क्वालिफाई किया है. और आप लोगों को पता है कि जैसे कि UP SSSC ने PET का एग्जाम जो है वो कंपल्सरी कर दिया है, कि अगर आपको UP SSSC का कोई भी एग्जाम देना है तो उसमें आपको PET का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है. तो आज का एपिसोड जो है हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज अनुभव श्रीवास्तव जी बताएंगे कि इन्होंने किस तरीके से PET क्वालिफाई किया. 96.01 परसेंटाइल इनका था, और क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी बुक का यूज किया इन्होंने. तो आइए अनुभव श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ हमारे ऑफिशियल चैनल YCT बुक्स ऑफिशियल पर. कैसे हैं सर आप? सर एकदम बढ़िया. सर आप बताएं कैसे? सर बढ़िया है. तो जितने भी ऑडियंस हैं, एस्पिरेंट से जो भी UP SSSC में अपीयर होने वाले हैं और PET का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, तो वो सभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं. आप उनको अपनी बेसिक डिटेल्स बताइए कंसाइजली, दैट आपने अपनी अर्लियर स्टडीज कहाँ से की और ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से किया. सर मैंने अपनी अर्लियर स्टडीज अपने टाउन पट्टी से ही की थी. मेरी सारी अर्लियर स्टडीज वहीं से, मैंने हाई स्कूल भी सर वहीं से किया, रामनारायण इंटर कॉलेज और इंटर भी वहीं से सर मैंने किया. आफ्टर डैट फिर हमने राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से बीए किया. जैसे ग्रेजुएशन हमने किया सर इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी से. ओके. उसके बाद सर एमए मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया. एक छोटा सा मैंने कोर्स भी किया था जेटिंग से, हार्डवेयर डेवलपिंग का डिप्लोमा भी किया था मैंने. उसके बाद सर कुछ दिनों तक जॉब भी की कुछ साल तक. आफ्टर दैट फिर मुझे लगा नहीं कि तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सर स्टेबिलिटी होती है, अदर जॉब में तो स्टेबिलिटी नहीं है प्राइवेट जॉब में. तो फिर मैंने तैयारी भी की. देन सर फिर मैंने बीएड किया यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से. फिर सीटेट क्लास क्लियर हुआ, टेट क्लियर हुआ, फर्स्ट क्लास टेट क्लियर हुआ, बस यही सब. तो बात करते हैं सर UP SSSC PET एग्जाम की. आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको आप बताइए कि UP SSSC जो PET का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो पैटर्न कैसा होता है और उसमें क्या क्या सिलेबस होता है. जी सिलेबस में सर जैसे जनरल नॉलेज की सारी चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ओके, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, सारी चीजें कवर करता है अपने कोर्स में. मतलब प्राइमरी लेवल का सारा है. मतलब अगर मैं बात करूं कि जितना भी प्राइमरी लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, प्री एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, वो सारा कवर करता है, सारे कोर्स को कवर करता है. बस अगर मैं लेवल की बात करूं तो 10+2 लेवल का एग्जाम होता है. बहुत टफ नहीं होता कहने के लिए, अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो यू डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट दैट. बहुत आराम से आपका हो सकता है. मतलब बस लेकिन तैयारी आपको फोकस होना है, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पूछता है. ओके. तो सर आप ये बताइए कि जैसे कि UP SSSC में आपने बताया कि 10+2 लेवल का एग्जाम आता है और क्वेश्चन को जो लेवल रहता है बहुत हाई नहीं रहता है, तो आपने सर तैयारी कैसे की थी? आपने कौन सी किताब बुक का यूज किया था अपने UP SSSC PET की तैयारी के लिए? सर मेरी तैयारी पहले से, तो मैं SSC की तैयारी कर रहा था और बैंक की तैयारी कर रहा था, मेरी तैयारी पहले से भी थी. लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हेल्प थी तो जो कंपटीशन के शॉर्ट पेपर था, वो जो समय उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, उन्हें क्वेश्चन का जो कलेक्शन था बहुत अच्छा था. और कुछ क्वेश्चन तो मेरे डायरेक्टली जैसे बुक में थे वैसे ही पूछ लिए गए थे, मतलब सेम पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर बुक में उसी पैटर्न पे. और फिर अभी शायद बिल्कुल बिल्कुल सेम पैटर्न. और उसके बाद अभी जो परीक्षा पॉइंटर है मैंने देखा, वो भी बहुत बढ़िया है. परीक्षा पॉइंटर तो काफी बढ़िया मैटर है उसमें. तो सर आपके क्या स्कोर थे PET एग्जाम में, क्या स्कोर थे और कितना परसेंट आपका बना था? 96.01 परसेंट मेरे ख्याल से बना था आपका परसेंटाइल. दैट वाज परसेंटाइल एक्चुअली. ओके परसेंटाइल. ओके ओरिजिनल स्कोर जो मेरा था वो 73 समथिंग था, एंड देन आफ्टर नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है तो वो 74 समथिंग. नॉर्मलाइजेशन के बाद सर एक ही नंबर आपका बढ़ पाया. नॉर्मलाइजेशन लगा हुआ था. ओके ओके सर. अच्छा एक क्वेश्चन और है कि आप ये बताइए, जैसे कि आपने बताया इंग्लिश लैंग्वेज का भी पेपर होता है और मैथ्स भी आती है, तो आप ये क्या बताना चाहेंगे कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर में आता है और कौन से टॉपिक से इंग्लिश लैंग्वेज उसमें आते हैं, सॉरी मैथमेटिक्स में? सर
मैथमेटिक्स में ऐसे सर टॉपिक से नहीं, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में मैं कहूंगा कि हाँ सर प्रीपोजिशन और आर्टिकल आपके बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन आर्टिकल तो उससे तो आएंगे आएंगे। ओके और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री आपका पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री आपका पोर्शन है, अलजेब्रा है थोड़ा सा पोर्शन, लीनियर इक्वेशंस है उनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ प्रोफिट ऑल सही, ये सारी चीजें सर। और जीएस सर करंट अफेयर्स आपका बहुत मायने रखता है, मतलब ये सारी चीजें तो ठीक है, करंट अफेयर्स अगर आपके तैयार है तो वो आपके नंबर को स्कोर को हाई कर देते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने स्कोर को हाई करें, क्योंकि नॉर्मल चीजें सब तैयार किए रहते हैं, करंट अफेयर टर्निंग पॉइंट होता है। ओके आप लास्ट क्या सजेशन देना चाहेंगे जितने भी स्टूडेंट अपियर होने जा रहे हैं पेट के एग्जाम में कि वो तैयारी किस तरीके से करें, लास्ट में कंसाइजली आप उन लोगों को बताइए ये क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सर पेट की स्ट्रेटेजी सर बस फोकस है, फोकस सही है, और मैथ्स और इंग्लिश का ध्यान दीजिए, जीएस को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, और हो सके तो यूथ कॉम्पिटिशन की बुक तो रिवाइज कर सकते हैं, उससे बहुत सारे मेरे तो मतलब मैं जानता हूँ मेरे अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन क्या था उसी सबसे, हम लोग की लैंग्वेज बोला जाता है फंसे हुए थे तो फंसे थे सर, मतलब डायरेक्टली आप आ गए थे एट एज इट इज सेम टू सेम डायरेक्टली, हाँ बिल्कुल एकदम सीधा सेम टू सेम डिक्स तो सर। ओके सर तो बहुत अभी अच्छा लगा, तो आज भी याद है सर उसका जी सर, एक क्वेश्चन तो मुझे आज भी याद है कि उसने पूछा था कि वीवो आईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, डिड तो सेम क्वेश्चन आपके यहाँ लिखा हुआ था, सेम मैंने कहा बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना प्रीसियस टाइम हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स को दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।